धैर्यपूर्वक लक्ष्य रखते हुए मैंने आकाश में उनके सभी तीरों को मोड़ दिया और फिर मैंने उन पर अपने धनुष का लक्ष्य रखा। मेरे तीर जल्द ही उनके उत्साह को तोड़ गए। हे भगवान, उनकी कहानियां सच हैं, वह वास्तव में अजय हैं। वे कहते हैं कि भीष्म मानव नहीं है बल्कि मानव रूप में एक देवता है। हमारा विनाश होने वाला है, उन्हें चुनौती ना देना ही अच्छा होगा। हे शक्तिशाली भीष्म, हम हार मानते हैं। आप एक भगवान की तरह लड़ते हैं, आपने इन राजकुमारियों पर अधिकार साबित कर दिया है। धन्यवाद युवा राजकुमारों, मुझे आशा है कि आप सभी को योग्य वधुएं प्राप्त होंगी, लेकिन इस बार नहीं। सावधान भीष्म, वहां एक और। मैं तुमसे लड़ने आया हूं बूढ़े इंसान, तुम कौन हो? मैं राजकुमार शलवा हूं, मैं तुम्हें वहीं मार दूंगा जहां तुम खड़े हो। क्या तीन पत्नियां आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है? मरने के लिए तैयार हो जाओ बूढ़े बकरे। आपका हथियार क्या है शलवा? मैं भाले में अजय हूं। ठीक है, चलो भाले के साथ द्वंद्व युद्ध करें। मरो! उसके बचकाने क्रोध ने मुझे हंसा दिया, लेकिन मेरा खून भी उबलने लगा। क्या तुम अपने हो डर से काट रहे हो मेरे लाल? हमारा द्वंद्व युद्ध जल्द ही पूरा हो गया। नहीं, वह मर जाएगा मेरी राजकुमारी। उदार भीष्म, रुको। क्या तुम उसे मृत नहीं चाहती? मैं तुमसे उनके प्राणों की भीख मांग रही हूं, उन्हें मत मारो। ऐसा ही होगा, मैं उसे जीने दूंगा। शलवा, मुझे उसे लेने नहीं देना चाहिए था, मुझे नीचे कूदना होगा, मुझे शलवा के पास भागना होगा। लेकिन ये खतरनाक है, अगर मैं कूदती हूं तो मुझे चोट लग जाएगा या मैं मर जाऊंगी, मेरा शरीर मेरी नहीं सुनेगा। मैं भीष्म को सब कुछ बता दूंगी, मैं समझा सकती हूं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हम हस्तिनापुर गए, लड़कियां उत्तेजना और डर से भरी पूरे समय से चुप थी। मैं भी चुप था, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया था। और जल्द ही हम हाथियों के शहर पहुंचे।